तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीलिंग फैन का कनेक्शन हम फैन रेगुलेटर के साथ कैसे करते हैं। फ्रेंड देखिए, जो हमारा फैन रेगुलेटर होता है, इस फैन रेगुलेटर में हमारे यहाँ पे दो वायर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके पास भी फैन रेगुलेटर होगा तो आप उसमें देखिएगा तो ऐसे आपका दो वायर मिल जाएगा। तो इन दोनों वायर में हम पंखा का कनेक्शन कैसे करते हैं, जो हमारा फैन का यहाँ से दो वायर निकलता है, तो इन दोनों वायर का कनेक्शन इस रेगुलेटर के साथ हम कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, जो हमारा फैन रेगुलेटर होता है, इसका कनेक्शन करने का दो तीन तरीका होता है। इसको हम दो तीन तरीका से अपने फैन के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक एक करके तीनों तरीका बता दूंगा, आपको जो भी आसान लगे उस तरह से आप अपना फैन रेगुलेटर कनेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, जो हमारा फैन रेगुलेटर है, इसको हमने पहले से बोर्ड के अंदर फिट कर दिया है, जिससे कि ये हमारा जो वीडियो है ज्यादा लंबा नहीं हो फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक हमारा स्विच है, हम इस स्विच के साथ भी रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे और बिना स्विच के साथ भी आपका रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे होगा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद है आप सीलिंग फैन में रेगुलेटर कनेक्शन करना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो हमेशा आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने यहाँ पे सीलिंग फैन के कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो हमारा दो वायर इसमें कनेक्शन होगा उसको हमको किस टर्मिनल में कनेक्शन करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टोटल तीन टर्मिनल है फ्रेंड्स, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए ऊपर टर्मिनल है, एक बीच में, एक नीचे। तो जो हमारा ऊपर वाला टर्मिनल है, इसमें देखिए हमारा कॉमन वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फैन का जिस वायर में आपका कैपेसिटर कनेक्शन नहीं होगा, वही वाला पॉइंट क्या होगा, आपका कॉमन वाला पॉइंट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा सिंगल वायर है, तो ये क्या है, हमारा कॉमन वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो हमारा इसका बीच वाला पॉइंट है, जो कि हमारा डमी पॉइंट रहता है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और जो इसके नीचे वाला पॉइंट है, ये क्या है, हमको रनिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहता है, इसी में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक कैपेसिटर का दो वायर रहता है, इन दोनों वायर का कनेक्शन हम क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड हम बात कर लेते हैं, जो हम अपने फैन में सप्लाई देते हैं, जैसे जो हम फेस न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन और रनिंग में देते हैं, हम इसको स्टार्टिंग में कनेक्शन नहीं करते हैं। तो यहां पर फ्रेंड देखिए, जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, इसका कॉमन का है, तो हमको एक वायर यहां पर कनेक्शन करना है, और इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, इसका रनिंग का है, तो हमको एक वायर यहां पर कनेक्शन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे आपको क्या करना है, वो दो वायर को ले लेना है। लेने के बाद फ्रेंड देखिए, जो आपका यहां पे पॉइंट रहेगा, इस दोनों पॉइंट में क्या करना है, इस दोनों वायर को ऐसे बढ़िया से कनेक्शन कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको आपको इस टर्मिनल को अच्छा से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए आपको दोनों टर्मिनल को एक बार अच्छा से पहले चेक कर लेना है, ये बढ़िया से पूरा टाइट होना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो आपका यहाँ पे दो वायर रहेगा, जैसे कि फ्रेंड देखिए हमारा ये दो वायर हो गया, अब इन दोनों वायर का कनेक्शन हम रेगुलेटर के साथ करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड देखिए, आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा ये फैन का दो वायर हो गया, ये हमारा रेगुलेटर का यहाँ पे दो वायर हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझिएगा, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये सप्लाई का यहाँ पे एक वायर रहेगा, जो भी स्विच बोर्ड में आप फैन का कनेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ऐसे सप्लाई के साथ एक वायर को लेना है, और लेके ऐसे क्या करना है, इसको आपस में इसे जोड़ लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि जो हमारा फैन का न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो हमारा यहीं से मिल जाएगा, न्यूट्रल या फेस कोई भी आप क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट दे सकते हैं, और एक वायर का क्या होगा, आपका रेगुलेटर के साथ कंट्रोलिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम फ्रेंड्स क्या किया, अपने एक वायर को लेके, जो हमारा यहाँ पे सप्लाई का एक वायर था, इसके साथ लगा के हम क्या किया, न्यूट्रल वाला पॉइंट में लगा दिए। वही फ्रेंड देखिए, अब हमारा यहाँ पे एक वायर सप्लाई का बच गया, एक वायर यहाँ पे फैन का बच गया, और दो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे रेगुलेटर का बच गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो आपका सप्लाई का यहाँ पे एक वायर रहेगा, इसको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको स्विच के इस वाले पॉइंट में डालना है, जिससे फ्रेंड्स आपको सॉकेट या कोई भी चीज़ जो स्विच से चलता हो, जहाँ पे आपका सप्लाई का कनेक्शन हुआ रहेगा, वहीं पे आपको क्या करना है, देखिए जो आपका रेगुलेटर का एक वायर रहेगा, इसको आपको लगाना है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी बोर्ड में इसको लगा रहे हैं, तो जहां पे भी अगर सप्लाई कनेक्शन होगा, वहां से क्या करना है, आपको रेगुलेटर को एक सप्लाई यहां पे दे देना है फ्रेंड्स, ठीक है। देने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको यहां पे अच्छा से टाइट कर लेंगे। करने के बाद अब फ्रेंड देखिए, हमारा यहाँ पे रेगुलेटर का यहाँ पे एक वायर बच जाता है, और साथ ही हमारा यहाँ पे फैन का एक वायर बच जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये स्विच है, अभी फ्रेंड्स मैं आपको इसको स्विच के साथ रेगुलेटर को बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए, आप जब आप इस स्विच को ऑन करिएगा, उसके बाद रेगुलेटर को घुमाइएगा, तब जाके क्या होगा, आपका सीलिंग फैन चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स कनेक्शन कैसे होगा, जैसे देखिए जो आपका ये रेगुलेटर का वायर है, इसको क्या करना है, इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट में ऐसे डाल देना है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स कनेक्शन करने के बाद मैं आपको इसको चालू करके भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो हमारा यहाँ पे एक वायर बच जाएगा,
इस वायर को हमको क्या करना है, जो हमारा स्विच का ऊपर वाला पॉइंट रहेगा इसमें ऐसे बढ़िया से कनेक्शन कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, देखिए ऐसा अगर आप अपने रेगुलेटर का कनेक्शन करिएगा तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स आप देखते होंगे आपके घर में अगर कोई भी बोर्ड में रेगुलेटर लगा होगा तो ज़्यादातर रेगुलेटर में लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे कनेक्शन करते हैं कि वहाँ पे एक ज्वाइंट आ जाता है, मतलब रेगुलेटर से और जो आपका जो फैन का वायर रहेगा उसके बीच में एक ज्वाइंट आ जाता है। वो कनेक्शन कैसे होता है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इसको चालू करके दिखा देता हूँ, जो हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है ये हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं फ्रेंड्स। ठीक है उसके लिए फ्रेंड देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई को चालू करेंगे। चालू करने के बाद फ्रेंड देखिए ये हमारा फैन है, हम आपको यहाँ पे चला के इसको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम स्विच को जब ऑफ करेंगे तो रेगुलेटर घुमाने से भी क्या होगा, देखिए हमारा यहाँ पे फैन नहीं चलेगा फ्रेंड। ठीक है वहीं फ्रेंड पहले आपको स्विच को ऑन करना होगा और जब यहाँ से आप रेगुलेटर को घुमाइएगा तो देखिए क्या होगा, आपका यहाँ पे सीलिंग फैन चलेगा फ्रेंड। ठीक है अब ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा चल रहा है और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्विच से भी बंद हो जाएगा क्योंकि स्विच से हमारा यहाँ पे रेगुलेटर कंट्रोल है। फिर जब हम स्विच से चालू करके चालू हो जाएगा और फिर हम यहाँ इसको रेगुलेटर से भी ऐसे बंद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है तो आपको फ्रेंड्स ऐसे ही अपने फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको और दो तरीका बता देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए अगर आपको मान लीजिए केवल रेगुलेटर से फैन को चलाना है, स्विच से नहीं चलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो ये सप्लाई रहेगा रेगुलेटर में ऐसे ही इसको दे देना है और देने के बाद फ्रेंड देखिए जो आपका फैन का यहाँ पे एक वायर रहेगा और रेगुलेटर का जो एक वायर रहेगा इसको क्या करना है, आपको आपस में इसे जोड़ देना है, जिससे क्या होगा आपको बिना स्विच से केवल रेगुलेटर से आपका फैन चलने लगेगा फ्रेंड। ठीक है उसके बाद फ्रेंड देखिए एक और कनेक्शन होता है कि मतलब स्विच से ही रेगुलेटर रहता है लेकिन उसमें क्या होता है, ज्वाइंट रहता है फ्रेंड। ठीक है आप देखते होंगे हमारा रेगुलेटर और फैन का जो वायर रहेगा वो ज्वाइंट रहेगा तो उसका कनेक्शन कैसे होता है, तो फ्रेंड देखिए उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये रेगुलेटर का जो हमारा यहाँ पे जो हमने जोड़ा है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं और जो हमारा सप्लाई का वायर है यहाँ से एक लूप लेके इस स्विच को दे देते हैं और जो हमारा रेगुलेटर का एक वायर रहेगा इसको हम ऊपर जोड़ देते हैं और जो हमारा रेगुलेटर का अब एक वायर बच जाएगा और जो हमारा इस फैन का एक वायर बच जाएगा इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, तो जिससे क्या होता है उससे भी हमारा फैन चलने लगता है फ्रेंड्स। ठीक है तो यही हमारा दो तीन तरीका होता है, लेकिन जब आपको अपना रेगुलेटर का कनेक्शन कभी भी करना हो तो आपको ऐसे ही कनेक्शन करना है। इससे क्या होगा देखिए आपका कोई भी ज्वाइंट नहीं आएगा और आपका पंखा एकदम बराबर चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप वीडियो समझ गए होंगे, फिर भी अगर वीडियो संबंधित कोई भी शिकायत हो, कुछ भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर वहां पर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।